नमस्कार घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णपाल राठौर, मेरे साथ है प्रसिद्ध ज्योतिषी शशिकांत गुप्ते जी। लेकिन उनसे बात करने से पहले आपको एक बता दूं, विधानसभा चुनाव होने से पहले शशिकांत गुप्ते जी ने एक भविष्यवाणी की थी और उसमें उन्होंने सीधे सीधे एक बात कही थी कि कांग्रेस इस बार परचम मध्य प्रदेश में लहराएगी और वैसा भी हो भी रहा है। शशिकांत जी, सबसे पहले बधाई आपकी भविष्यवाणी के लिए। धन्यवाद। किस तरह से सर आपने गणित लगाया था इस भविष्यवाणी का? देखो, ये राजनीतिक भविष्यवाणी जो होती है इसमें मेदिनी शाखा का जो है मेदिनी शाखा के अंतर्गत जो उसके नियम है उसके हिसाब से भविष्यवाणी होती है। वो जो भी घटनाएं जो होती है उसके पहले अमावस या पूनम जो होती है उसको उसके अंत का समय अमांत और पूर्णिमांत के समय की राजधानी की पत्रिका बना के की जाती भविष्यवाणी। तो उस दिन जब आप लोगों से चर्चा हो रही थी तो मैंने जो गणित लगाया था वो मध्य प्रदेश के लिए लगाया था और उसमें जो राशियां और जो दिशाएं जो प्रभावित हो रही थी तो मेरा अनुमान था कि दक्षिण और पश्चिम मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल को भारी नुकसान होगा और वो अनुमान अपना तकरीबन एकदम सही निकला है जी। क्योंकि जो दक्षिण मतलब मालवा में पश्चिम भाग में और दक्षिण में इधर निमाड़ साइड में ज्यादा नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरा जो है, आपके चैनल पर जब मैं चर्चा कर रहा था टॉक शो के तरह तब भी मैंने कहा था कि यह मध्य प्रदेश की भविष्यवाणी तो ज्योतिष के आधार पर है लेकिन जो विश्लेषक के नाते या लेखक के नाते जो हमने जो समीक्षक के नाते जो भविष्यवाणी है तीनों राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और बनी है जी। एक सवाल सर पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या कमी रही भारतीय जनता पार्टी में जो तीनों राज्यों में ले डूबी, क्या कमी होगी? देखो, ऐसा है कि कमी तो यह है कि मैं हमेशा जो चर्चा करता हूँ उस दिन अपने टॉक शो में भी मैं कर रहा था कि आप नीति बहुत अच्छी बनाते हो जी लेकिन नियत कैसी उसको लागू करने की वो महत्वपूर्ण होता है। उसका क्रियान्वयन में आपकी नियत अगर साफ नहीं हो तो उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ता है। दूसरा क्या हुआ है कि 14 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी में जो फर्क आया है वो ये आया है कि अहंकार, हम अपराजित हैं, हमको तो पराजित कर ही नहीं सकता, तो ये तो कभी चलने वाला नहीं है। और अपने देश में ये अभी तक का जो इतिहास है उसमें तानाशाही प्रवृत्ति को नकारा है अपने यहाँ के लोगों ने। इतने जागरूक तो हैं अपने यहाँ के लोग। एक्सपर्ट ये मानते हैं सर कि 15 साल शिवराज सरकार को हो गए थे, 15 साल रमन सिंह सरकार को हो गए थे और राजस्थान में तो परंपरा चलती आ रही थी, इस वजह से हारी है क्योंकि कहीं ना कहीं चेहरे बदलने चाहिए थे, वो चेहरे बदले नहीं। नहीं देखिए, ऐसा है कि 15 साल तक तो जो है वो संयोग से होता, कांग्रेस कमजोर थी, अब किसे कांग्रेस मिलजुल के लड़ी है, संगठन उनका मजबूत रहा है पर, और कांग्रेस को जितना ये मतपा समझ रहे थे उसके हिसाब से कांग्रेस ने, जब मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि नेक टू नेक फाइट यानी कांग्रेस की उपलब्धि है जी, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है लेकिन कांग्रेस की उपलब्धि रही कि उसने उसकी फाइट दी। दूसरा यह हुआ कि जो शहरी इलाके में जी, जो सफाई वर्ग को लेकर जो भी इनकी तारीफ हुई है लेकिन सतही तौर पर आंचलिक क्षेत्र में जो किसान परेशान थे, जो छोटे व्यापारी परेशान थे, जो बेरोजगार युवा थे जी, और जो कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो अपने बलात्कार जो हो रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का जो डाटा आया है आरटीआई की रिपोर्ट में कि 10 लड़कियों के रोज बलात्कार हो रहे हैं, तो मामा जी क्या कर रहे थे, भांजियों के साथ बलात्कार हुआ जी। तो ये जो कुछ जो बातें हुई इसमें लोग समझते तो हैं, प्रचार माध्यम ने कितना भी सपोर्ट किया हो भारतीय जनता पार्टी का लेकिन कुछ प्रचार माध्यम ऐसे थे कि जिन्होंने ये बात जन तक पहुंचाई और सबसे बड़ी बात कांग्रेस ये बात जन जन तक पहुंचाने में सफल रही इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विफलता मिली। सर एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि कहीं ना कहीं हम देखें मध्य प्रदेश में 15 साल से शिवराज का राज था, कांग्रेस के राज से आप क्या उम्मीद रखते हैं मध्य प्रदेश की उज्जवल भविष्य के लिए? देखो, ऐसा है कि जो राजनीतिक परिदृश्य बदलते जा रहा है और एक देश काल स्थिति का नियम जो लागू होता है उसके अनुसार अब जो भी सरकार आएगी वो जुमलों पे चलने वाली नहीं, उनको काम करना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। देखो, मध्य प्रदेश के अपना देश उज्जवल पे बढ़ रहा है, कोई किसी के आने से नहीं बढ़ता है न किसी के उससे बढ़ता है, कोई अपना शेयर लेना चाहे तो उसका अहंकार दे सकते हैं, जैसे कहा जाता है 70 साल कुछ नहीं हुआ, ये भी एक झूठी बात थी, देश चलेगा और भारत की स्थिति बहुत अच्छी होना है विश्व में, इसलिए अच्छे लोग ही राजनीति में आएंगे आगे, अच्छे लोग ही राजनीति में आएंगे। सर अभी कांग्रेस आई है, 15 साल शिवराज सरकार थी, अब कांग्रेस आने वाली है,
तो क्या क्या विकास के मुद्दे उठा सकती है कांग्रेस? किसानों के लिए उन्होंने बोला था, बेरोजगारी के लिए उन्होंने बोला था, खरी उतर पाएगी? देखिए ऐसा है कि परसों राहुल गांधी ने जो बोला चुनाव के बाद, उसने एक बात अच्छी बोली, मुझे बहुत पसंद आई कि जो मुख्यमंत्री ने काम किए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। अब कोई जादुई छड़ी लेके तो आता नहीं है। बिल्कुल। और कांग्रेस में एक बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, जो वचन पत्र जो बोला है उसमें घोषणाएं की है, लेकिन उसके साथ में वो मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के अध्यक्ष या कांग्रेस के लोग ये नहीं बोलेंगे कि जो मिला था। बिल्कुल। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितना खरा उतर पाती है इस उम्मीद पर। फिलहाल आप ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए घमासान.com।